इस बार चुनाव में किसी को जाति के आधार पर वोट मत करिए, भाषा के आधार पर वोट मत करिए, क्षेत्र के आधार पर वोट मत करिए, किसी पार्टी के नाम पे वोट मत करिए, न किसी नेता के चेहरे पे वोट करिए। इस बार आप केवल मुद्दों के आधार पर वोट करिए। वोट उसे करिए जो गुलामी के नाम को मिटाए, जो बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही उनको खत्म करे, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाए। इस बार उसको वोट करिए जो गुलामी का निशान मिटाए, काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला अटाला, ऐसे जहां जहां गुलामी के निशान पड़े हुए हैं उनको मिटाए, भारतीय जो हमारी धरोहर है, जो हमारे सांस्कृतिक स्थान है, हमारे धार्मिक स्थान है, उनको रिस्टोर करे और उसके लिए एक भारतीय धरोहर संहिता बनाए, उसको वोट करिए। इस बार गुलामी की कुरीतियों को जो खत्म करे, गुलामी की कुप्रथाओं को जो खत्म करे, गुलामी की परंपराओं को जो खत्म करे, उसको वोट करिए। जो एक भारतीय संस्कार संहिता बनाए, उसको वोट करिए। जो ये महर्षि दयानंद की संस्कार विधि है, इसको सिलेबस में शामिल करे, करिकुलम में शामिल करे, उसको वोट करिए। इस बार आप वोट उसको करिए जो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदले, जो मैकाले शिक्षा, मदरसा शिक्षा, मिशनरी शिक्षा चल रही उसको बदले और एक भारतीय शिक्षा संहिता लागू करे। हमारे प्राइमरी स्कूलों में जो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ाए, जो भगवत गीता को पढ़ाए, जो रामचरित मानस को पढ़ाए, उसको वोट करिए। जब तक भारतीय शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं होगा। भ्रष्टाचार अपराध कम करना है, जिहाद कम करना है, अलगाववाद कम करना है, आतंकवाद कम करना है, तो एक ही तरीका है, भारत में वैदिक शिक्षा लागू किया जाए, भारत में गुरुकुल शिक्षा लागू किया जाए। तो जो पॉलिटिकल पार्टी, जो नेता भारतीय शिक्षा लागू करने का वादा करे, उसको वोट करिए। अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो वोट उसको करिए जो भारतीय चिकित्सा का प्रचार प्रसार करे। भारतीय चिकित्सा का मतलब इस समय पूरा एलोपैथी का बोलबाला है। दुर्भाग्यवश देखिए, हमने धनतेरस मनाया महर्षि धन्वंतरी के नाम पे, लेकिन महर्षि भगवान धन्वंतरी को कहीं पढ़ाया नहीं जाता। महर्षि पतंजलि को हमारे प्राइमरी के स्कूलों में सिलेबस में डाला नहीं गया। महर्षि चरक की किताब को हमें पढ़ाया नहीं जाता बच्चों को। सुसु संहिता पढ़ाई नहीं जाती। महर्षि माधवकर की इतनी बढ़िया किताब है, उसको हमारे प्राइमरी के स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। महर्षि सारंगधर को हमें प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। महर्षि भाव प्रकाश को हमारे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। जिस दिन भारतीय चिकित्सा लागू हो जाएगी, हमारे बच्चों को सबसे पहले धन्वंतरी जी की जो पुस्तक है उसको पढ़ाया जाएगा, चरक की जो पुस्तक है उसको पढ़ाया जाएगा, सुश्रुत की जो पुस्तक है उसको पढ़ाया जाएगा, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ाया जाएगा, आचार्य भाव प्रकाश, महर्षि सारंगधर, महर्षि पतंजलि, जब इनको पढ़ाया जाएगा तब वास्तव में देश स्वस्थ होगा, नहीं तो बीमारियां कम नहीं होगी। तो वोट उसको करिए जो भारतीय चिकित्सा को बढ़ाए, न कि विदेशी चिकित्सा को बढ़ाए। वोट उसको करिए जो गुलामी के कानूनों को खत्म करे। 1860 का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं हो रहा है। जब तक भारत में एक देश एक दंड संहिता लागू नहीं होगी अमेरिका की तर्ज पे, यानी घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी के लिए एक कानून नहीं बनेगा, तब तक भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं होगा। वोट उसे करिए जो अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तर्ज पे भारत में वन नेशन वन पिनल कोड लागू करे, यानी एक देश एक दंड संहिता लागू करिए। वोट उसे करिए जो 1861 के पुलिस एक्ट को बदले और एक भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करे, एक नई भारतीय पुलिस संहिता लागू करिए। वोट उसे करिए जो 1863 को मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाले कानून को खत्म करे। देश में कुल 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। जो उन कानूनों को खत्म करे, हमारे मठ मंदिरों को स्वतंत्र करे, वोट उसको करिए। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर वोट मत करिए, पॉलिटिकल पार्टियों के नाम पर वोट मत करिए, किसी नेता का चेहरा देख के वोट मत करिए, केवल और केवल मुद्दों के आधार पर वोट करिए। वोट उसको करिए जो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाए, हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बनाए जिससे झूठ आराम से पकड़ा जा सके, 1872 का एविडेंस एक्ट खत्म करे, एक नया वन नेशन वन एविडेंस कोड बनाए, एक नई भारतीय साक्ष्य संहिता बनाए। वोट उसको करिए जो 1894 में अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था और 99 साल की लीज पे चर्च को, मिशनरीज को दुनिया भर की जमीन दे दिया, लाखों एकड़ जमीन दे दिया उन्होंने चर्च और मिशनरीज को, उनका 99 साल का लीज पूरा हो चुका है, जो उन जमीनों को वापस लेने का वादा करे उसको वोट करिए। वोट उसको करिए जो 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड खत्म करे, एक नया सिविल प्रोसीजर कोड बनाए। वोट उसको करिए जो 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट, 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इन सबको बदल के एक भारतीय नागरिक संहिता बनाए, वन नेशन वन सिविल कोड बनाए,
यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए, वोट उसको करिए, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर वोट नहीं, वोट मत करिए, भाषण के आधार पर वोट मत करिए, ये चेहरा देख के वोट मत करिए, ना पॉलिटिकल पार्टी को वोट करिए, वोट उसको करिए, ये जो गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही जिसके कारण 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ, DDC के यहाँ, SOC के यहाँ, ADM के यहाँ, SDM के यहाँ, DM के यहाँ और कमिश्नर के यहाँ पेंडिंग है, कुल 10 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। वोट उसको करिए जो जस्टिस विद इन ईयर लागू करे, यानी 1 घंटे के अंदर FIR, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला। वोट उसको करिए, न कि किसी पार्टी के नाम पे, न किसी नेता का चेहरा देख के। वोट उसको करिए, ये जो गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है IAS IPS, इसको खत्म करे, एक नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करे, भारतीय प्रशासनिक संहिता बनाए। वोट उसको करिए, वोट उसको करिए, ये जो गुलामी का टैक्स सिस्टम चल रहा है, GST अलग, इनकम टैक्स अलग, TDS अलग, VAT अलग, ना। वोट उसको करिए जो भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू करे, केवल एक टैक्स होना चाहिए, दुनिया भर का टैक्स खत्म होना चाहिए, जो जितना खर्च करे वो उतना टैक्स दे, इनकम पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, केवल और केवल खर्च करने पे टैक्स होना चाहिए। वोट उसको करिए, ये जो गुलामी का चुनाव वाला कानून चल रहा है जिसके कारण गुंडे, बदमाश, माफिया पार्षद प्रधान बन जाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं, ये गुलामी का चुनावी कानून खत्म करे, एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करिए। वोट उसको करिए जो ये एक नई भारतीय विधायिका संहिता लागू करे जिससे पढ़े लिखे लोग सांसद बने, पढ़े लिखे लोग विधायक बने। अभी क्या हो रहा है, अनपढ़ अनाड़ी गंवार जिनको ABCD भी नहीं आती, जिनको कोई कानून नहीं आता, जिनको संविधान नहीं आता, वो भी पैसा दे के कालाधन उपयोग करके पार्षद बन रहे, प्रधान बन रहे, सांसद बन रहे, विधायक बन रहे। इसलिए एक भारतीय विधायिका संहिता की जरूरत है। वोट उसको करिए जो झूठी खबरों को खत्म रोकने के लिए, फर्जी खबरों को रोकने के लिए, द्व्यर्थी खबरों को रोकने के लिए एक नई भारतीय समाचार संहिता बनाए। भारत में मीडिया के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, झूठी खबर रोकने के लिए, ये जो TRP की दौड़, अंधी दौड़ चल रही है, इसको रोकने के लिए एक भारतीय समाचार संहिता की जरूरत है। हमारे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से भारत परेशान है, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। कभी हिंदू मुसलमान पे चर्चा होगी, कभी भारत पाकिस्तान पे चर्चा होगी, कभी श्मशान कब्रिस्तान पे चर्चा होगी। कुल मिला के शाम को डेली इतने सारे चैनल हैं, केवल तूतू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती होती रहती है, न पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा होती है, न जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा होती है, न इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा होती है, न एजुकेशन रिफॉर्म पे चर्चा होती है, न टैक्स रिफॉर्म पे। तो जिन जो हमारे जीवन के मुद्दे, उस पर कभी चर्चा होती नहीं है। वोट उसको करिए जो भारत में हम दो हमारे दो लागू करे, एक कठोर कानून बनाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, तब तक भारत में गरीबी खत्म करना मुश्किल है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोग पहले से गरीब हो चुके हैं। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, तब तक भारत की 50% समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता है। वोट उसको करिए जो एक भारतीय व्यापार संहिता बनाए। अभी क्या हो रहा है, बिजनेस के नाम पे बियर बार खुल रहे हैं, हुक्का बार खुल रहे हैं, शराब के ठेके खुल रहे हैं, बिजनेस के नाम पे ऑनलाइन सट्टे चल रहे हैं, बिजनेस के नाम पे अश्लीलता फैलाई जा रही है, बिजनेस के नाम पे घटिया वेब सीरीज बन रही है, घटिया फिल्में बन रही है। इसको रोकने के लिए भारतीय व्यापार संहिता एक लागू करना बहुत जरूरी है। वोट उसको करिए जो घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाए। हमारे देश में कानून घटिया है, इसलिए रोहिंग्या भी आ रहे हैं, बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, 5.5 करोड़ हो चुके हैं इस समय। अगर कठोर कानून नहीं बनेगा, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जाएंगे भी नहीं और इनका आना जारी रहेगा। वोट उसको करिए जो मतांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाए। मतांतरण बहुत गंभीर समस्या है। मतांतरण के कारण हमारी डेमोग्राफी बदल चुकी है। आपको मैंने पहले ही बताया था, 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण और मतांतरण नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बनाना जरूरी है। वोट उसको करिए जो विदेशी चंदा नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बनाए। ये जो विदेशी चंदा से चलने वाले NGO हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस बार जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वोट मत करिए, पॉलिटिकल पार्टी के नाम के आधार पर वोट मत करिए, किसी नेता का चेहरा वोट दे चेहरे के आधार पर वोट मत करिए, केवल और केवल मुद्दों के आधार पर वोट करिए। जय हिंद, जय भारत।